हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे इस चैनल लवली मॉम्स विद कनिका में। तो अब हम बात करने जा रहे हैं आपके सेवेंथ वीक ऑफ प्रेगनेंसी के बारे में। तो लेट्स बिगिन। तो फ्रेंड्स, आपका बेबी इस टाइम तक 1 सेंटीमीटर तक ग्रो कर चुका होगा। आप सोनोग्राफी कराएंगे तो आप उसमें देखेंगे कि आपके बेबी की एक छोटी सी टेल है। यही टेल आगे जाके आपके बेबी की स्पाइन में ग्रो करती है। आपके बेबी के आईज, ईयर्स, नोज का डेवलपमेंट बहुत अच्छे से हो रहा होगा। आपके बेबी की हार्ट बीट आ चुकी होगी। इस वीक में आपके बेबी की ब्रेन की डेवलपमेंट बहुत अच्छे तरीके से होगी, इसलिए आपके डॉक्टर आपको फॉलिक एसिड लेने के लिए रिकमेंड करेंगे। तो फॉलिक एसिड आपको लेना ही लेना है, इसे प्लीज स्किप मत कीजिएगा। इस टाइम पर मदर के अंदर बहुत तेजी से चेंजेस आ रहे होते हैं। मदर के अंदर दो हार्मोन्स का सिक्रेशन काफी तेजी से होता है। पहला होता है HCG हार्मोन और दूसरा होता है प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। HCG हार्मोन की वजह से मदर्स को नौजिया और वॉमिटिंग की सिचुएशन फेस करनी पड़ सकती है, लेकिन मदर्स आपको परेशान नहीं होना है। अगर आपको नौजिया वॉमिटिंग की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, इट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ HCG हार्मोन। अगर आपको नौजिया वॉमिटिंग की प्रॉब्लम ज़्यादा फेस करनी पड़ रही है तो आप डॉक्टर से जाके एडवाइस लीजिए, वो आपको मेडिसिन प्रोवाइड करेंगे, लेकिन इस सिचुएशन से आपको घबराना नहीं है। सेकेंड होता है प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन आपकी प्रेगनेंसी को सपोर्ट करता है। ये आपके यूट्रस की मसल्स को रिलैक्स कर देता है, जिसकी वजह से आपकी प्रेगनेंसी ठहरती है। ये आपके एब्डोमेन और स्टमक की मसल्स को भी रिलैक्स करता है। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन आपकी प्रेगनेंसी को रोकने के लिए काफी मददगार है। कभी कभी डॉक्टर आपकी प्रेगनेंसी को रोकने के लिए आपको प्रोजेस्टेरॉन की टेबलेट या आपको प्रोजेस्टेरॉन के इंजेक्शन भी प्रिस्क्राइब करते हैं, जिससे कि आपकी प्रेगनेंसी ठहर सके और आपका बेबी आपके वॉर्म में ग्रो हो सके। इस हार्मोन की वजह से आपको एसिडिटी और हार्टबर्न की प्रॉब्लम को भी फेस करना पड़ सकता है। ये हार्मोन आपकी प्रेगनेंसी को सस्टेन करने के लिए काफी मददगार होता है, तो आपको परेशान नहीं होना है। और अगर आपको ज्यादा परेशानी हो रही है तो आप अपने डॉक्टर से जाके कंसल्ट कर सकती है। अब आपके लिए कुछ हेल्दी टिप्स है जिससे आप अपनी इस प्रॉब्लम को थोड़ा सॉल्व कर सकते हैं और अपने सिम्टम्स को थोड़ा सा रिलैक्स कर सकती हैं। तो सबसे पहले अपनी नौजिया और वॉमिटिंग की प्रॉब्लम के लिए आपको छोटे छोटे मील्स लेना है। 3 टाइम्स के हैवी मील्स आपने अवॉइड करने हैं, क्योंकि इससे आपकी वॉमिटिंग की प्रॉब्लम बढ़ेगी। हर 2 घंटे में आपने कुछ ना कुछ खाते रहना है। ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीजिए, क्योंकि पानी आपकी वॉमिटिंग की प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करेगा। देन आप कोकोनट वाटर ले सकती हैं। टी और कॉफ़ी आपने अवॉइड करना है। बाहर का मील आपने बिल्कुल नहीं खाना है, क्योंकि इससे इन्फेक्शन का खतरा बढ़ सकता है और इससे आपको फूड पॉइजनिंग की प्रॉब्लम हो सकती है। आपको फाइबर रिच फूड लेने हैं, इससे आपका पेट साफ रहेगा और आपको नौजिया और वॉमिटिंग की प्रॉब्लम से छुटकारा मिलेगा। तो आई होप फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो पसंद आई हो। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए मेरी इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।